1 मिनट है मैडम। हाय धनलक्ष्मी जी, व्हाट अ सरप्राइज, क्या बात है, हम हर बार अलग अलग जगह पर ऐसे मिल रहे हैं। ओह गॉड, क्या चाहिए मैडम? वन वेजिटेबल सैंडविच एंड कोल्ड ड्रिंक। नहीं जी, इस रेस्टोरेंट में सैंडविच बहुत खराब मिलता है। ए, चल बे। तो फिर कोल्ड ड्रिंक ही लाइए। तुम्हें क्या चाहिए? हम दोनों साथ में ही आए हैं, पहले धना के लिए लेकर आओ। बस ऐसे ही बोल दिया। धनलक्ष्मी जी, क्या है? वहां देखिए, अरे वहां पर, वहां What a funny thing, you know? आप किसके घर गेस्ट बनकर आई हैं? मैं गेस्ट हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को पहले कभी इस एरिया में नहीं देखा है जी। ओह, ऐसी बातें आपको पसंद नहीं है ना? ओके, आप जैसी भूतनी को मैंने पहले कभी नहीं देखा है जी। ये तो पीछे ही पड़ गया। यस, मैं अपनी फ्रेंड नीतू के घर आई हूँ। ओह, नीतू के घर, जानते हो? और तुम? मेरे बारे में कहना तो मैं इस एरिया का किंग हूँ। सिंपली करके हो तो आई एम अरविंद। Born in 1984, September 4. My father have, you know, very famous good mechanic shop. My mother kitchen wife. My brother, well, chief engineer. हम H block में रहते हैं। Risk लेना मुझे पसंद नहीं है। और इसीलिए मजाक मजाक में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, खोता है। क्यों बे? गाती तो खोता है ना? उसमें इतना बकवास क्या करता है? देख क्या लाए? हाँ, यहाँ पे देख क्या लाए? Excuse me, gentle boy, you. Come here. My help. Yeah. कम गया। धीरे से बात कीजिए, आपकी बातें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। बाहर आके आपकी सारी बातें सुनेंगे। जाइए प्लीज। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे जाना है। पता नहीं क्यों, आपसे बात करते वक्त मुझे मेरे बचपन की क्लासमेट की बहुत याद आती है। क्लासमेट? उसका नाम क्या है? नाम अब क्या करूँ? मीनाक्षी। आप दोनों किस क्लास तक साथ में पढ़े थे? लगता है मामला ठीक जा रहा है। फोर्थ स्टैंडर्ड। और उसके बाद? वो चली गई जी। कहाँ पर? शादी करके ससुराल। ओके बाय। क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं और आप ऐसे उठकर चली जा रही हैं, क्या बात है? हाँ? कल फिर आऊंगी ना, हम तब बात करेंगे। कल हम कम से कम 1 घंटे बात करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, बाय। अरे गणेश, वो देख तेरे मम्मी पापा। अरे बेटा, तूने खाना खाया कि नहीं? खाना नहीं खाएगा तो पत्ता हो जाएगा। अरे बेटा, खाना खा लेना। अरे मम्मी पापा घर में नहीं रहते क्या? जब देखो स्कूटी पे घूमते रहते हैं। देखो कैसी है स्टाइल, देखो भाई का स्टाइल, देखो कैसी है स्टाइल, देखो भाई का स्टाइल, देखो कैसी है स्टाइल, देखो भाई स्टाइल, देखो भाई का स्टाइल। ओए शेखर, मैं हूँ यार महेश बाबू। ओए महेश, कैसा है यार तू, क्या कर रहा है आजकल? मेरा क्या है यार, कलकत्ता में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ मैं। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब? मतलब शादी से जुड़े सारे काम, A to Z सर्विस। तू इतना परेशान क्यों है भाई? अब क्या पूछ रहा है यार, मैं तो कर्ज में डूब गया हूँ, मुझे जिंदगी से निराशा ही मिली है यार। अरे क्या यार, कुबेर जैसा दोस्त मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तू ऐसी बातें कर रहा है, मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहा है बे? बोल कितना कर्जा है तुझ पर, बोल। 1 लाख रुपए यार। सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए इतना परेशान हो रहा है? तेरी खुशी के लिए तुझे अभी 1 लाख रुपए चाहिए है ना? हाँ। लाख रुपए दूंगा तो तू खुश हो जाएगा? हाँ। ना जरा हंसकर तो दिखा। चालीस, 60, और ये रहे 1 लाख रुपए। ऐसे क्या देख रहा है रे, एक दोस्त के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? ये ले 1 लाख रुपए, इसे ले जाकर उसके मुंह पर फेंक कर सारा उधार चुका दे, लेकिन आगे से कभी मुझे परेशान नजर मत आना। ये तो नेबे, आते ही अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दे ला है, बहुत बड़ा पैसे वाला लगता है। मैं भी एक झूठी कहानी सुनाकर 1 लाख रुपए निकलवा लेता हूँ। लेने दे यार, पैसों का लालच मत कर, वैसे भी तेरी किस्मत बहुत खराब है। अरे बकवास बंद कर। अले ले ले, शर्मा मत। रुक। ओए साहब, के लिए एक हॉट पिज्जा, एक बड़ी पेप्सी लेकर आवे। जाता हूँ सर। कौन है रे तू, एकदम तंदूरी चिकन लग रहा है। सर, एक दोस्त की सहायता करते हुए देखकर मैं आपका फैन हो गया सर। मेरा फैन? ऐसे रेयर सीन को मैं ही स्पॉन्सर करूंगा सर। अबे जल्दी लेकर आवे। हाँ, लगे हाथ उससे दो किंग साइज सिगरेट मंगवा दे। ठीक है सर।
पीछे एक टैक्सी रुकी हुई है, जाकर उसके पैसे भर दे। साथ ही उसमें से मेरा बैग भी लेते आना। अभी तक खड़े क्यों, जाओ। ओके सर। ओए मामू, टैक्सी के पैसे दे देना प्लीज यार। अरे सुन फैन सर, ट्रिक में तो मजा आ गया। थैंक यू सर। तो मैं अब चलता हूँ यार। एक मिनट रुको। वैसे तो तुझे कर्जा लेने से बहुत डर लगता है ना, तो फिर 1,00,000 कर्जा कैसे हो गया? वो अपना किशोर है ना। हाँ, वो दिल्ली वाला किशोर। हाँ, हाँ। वो दुबई जा रहा है करके सेठ से मैंने उसे 50,000 कर्जा दिलवाया। उन 50,000 को लेकर वो भाग निकला और सेठ मुझे परेशान कर रहा है। वो बंद कर तू अपना। अपने दादा के अच्छे नाम के बदले तू किसी को भी कर्जा दिलवाएगा? ओए, तुझे पैसे की कीमत नहीं पता है बे? ये महेश बाबू आदमी के वैल्यू ना जानने वाले को माफ कर देता है, लेकिन पैसे की वैल्यू ना करने वाले को कभी माफ नहीं करता है। तो मेरी उस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं। 50,000 रुपए कट। क्या ट्विस्ट दिया इसने? अब इस 50,000 का हिसाब बता। 3 महीने पहले स्कूटर से जा रहा था तो एक्सीडेंट से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसमें 10,000 खर्च हुआ। प्लेट उठाकर मारूंगा तो सुधर जाएगा कमीने? तुझे जरा सी भी अकल नहीं है? साइकिल चलानी तो आती नहीं है, ऊपर से स्कूटर चलाएगा तू? दोबारा पैसे की वैल्यू को नहीं पहचाना। अब देखना यार, ये महेश बाबू आदमी की वैल्यू न जानने वाले को माफ कर देता है, लेकिन वैल्यू ना समझने वाले को माफ नहीं करता। एग्जैक्टली। अब ये 10,000 भी कट। मैंने पहले ही कहा था ना, मेरी बात नहीं मानी। बाकी का कर्जा कैसे हुआ था? क्यों, इसे भी वापस बैग में रखना चाहता है? इस 10,000 को मैं उसके बैग में नहीं जाने दूंगा। नहीं महेश बाबू, मेरी प्रॉब्लम तुम्हें बताकर मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अब मुझे एक बात समझ आ गई। क्या बात? तुम्हारे जैसा कोई दोस्त हो तो चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आए इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझमें अब कॉन्फिडेंस आ गया है। अब मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूंगा। दोबारा बोल। अब मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लूंगा। शाबाश, अब समझ गया ना। ये महेश बाबू दुखी लोगों को दुख से उबारता है, कॉन्फिडेंस वालों को अप्रिशिएट करता है। अगर तू अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है तो ये 10,000 भी किस लिए?